हेलो बच्चों, चले अब फटाफट से आज वाले वीडियो लेक्चर में, इस वाली क्लास में, इस वाले पोर्शन में हम लोग शुरू करेंगे दैट इज कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसका कैलकुलेशन की हम लोग बात करेंगे। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, इट इज ऑलवेज रिटन एज ई इफेक्टिव, इट इज ऑलवेज रिटन एज ई इफेक्टिव। अगर मैं बोलूं दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द ई इफेक्टिव ऑफ अ सेल, तो आप समझेंगे कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल यूनिट सेल। एक सिंपल यूनिट सेल में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात ध्यान में रखो, आप आठ फ्रेंड्स हो, आठ फ्रेंड्स ने क्या किया, पिज्जा ऑर्डर किया। आठ अलग अलग फ्रेंड्स ने एक रूम में बैठकर डोमिनोज से एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया और उस पिज्ज़ा वाले को इंस्ट्रक्शन दिए कि पिज्ज़ा के आठ टुकड़े करके लाना। तो ये जो पिज्ज़ा आया इसके आठ टुकड़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बड़ा पिज्जा मंगाया था, उसके आठ टुकड़े करवाए थे। एक बच्चे के पास, एक फ्रेंड के पास कितना पोर्शन जाएगा पिज्जा का, उसके पास जाएगा 1/8 पोर्शन। पिज्जा का 1/8 पोर्शन पर पर्सन जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स आठ थे और आठों कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे कि चलो बड़ी पार्टी करते हैं और एक काम करते हैं, एक पिज्जा की जगह हम आठ पिज्जा मंगाते हैं, तो उन्होंने अब एक पिज्जा की जगह कितने पिज्जा ऑर्डर कर दिए, आठ पिज्जा ऑर्डर कर दिए। अब आठ पिज्जा आया और आठों का अलग अलग फ्लेवर था, आठों का अलग अलग कंपाइलेशन था, तो हर एक पिज्जा में से एक पर्सन के पास 1/8 पोर्शन आता था। पर क्योंकि पिज्जा जो था वो 8 पिज्जा हो गए थे, तो मुझे इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन के पास एक पिज्जा का 1/8 पार्ट आया, तो अगर वो सारे आठों पिज्जा का एक एक पार्ट भी उठाएगा तो उस पर्सन के पास टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितना हो जाएगा, 1। यानी पर पर्सन कितना पिज्जा खाया गया, 1 पिज्जा खाया गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, सो अगर आपके पास आठ पिज्जा हैं और हर पिज्जा का अगर आप एक स्लाइस खाते हो तो कुल मिला के हर पर्सन ने एक पिज्जा खाया, भले ही वो आठों पीस का, आठों स्लाइस का टेस्ट अलग होगा, बट क्योंकि हर एक पर्सन ने एक स्लाइस उठाया और आठ पिज्जा थे, तो उसके पास टोटल एक पिज्जा उसने खाया। यही कुछ फंडा हमें हमारे यूनिट सेल में करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल यूनिट सेल आपके सामने पहले बना दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की, देखो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, कभी बन जाए। हम लोग एक बड़ा यूनिट सेल बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ा मतलब बहुत सारे यूनिट सेल बनाने की कोशिश करते हैं, एक के पास एक के पास एक, ताकि कुछ फंडा आपको क्लियर हो सके।
बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है सब अभी बोर्ड पर बनाना, बट देखिए बना तो दिया है मैंने, बन गया है ये देखो। अब बेसिकली आपके सामने मैंने तीन यूनिट सेल्स बनाए हैं, तीन यूनिट सेल आपके सामने मैंने बनाए हैं, तीन क्यूज मैंने आपके सामने बनाए हैं। और अब जरा इस लेटाइस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस लेटाइस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस लेटाइस पॉइंट के कॉर्नर पर एक पार्टिकल मैंने इस तरीके से पटक रखा है। तो बेसिकली हर यूनिट सेल के कॉर्नर वाले पार्टिकल की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर जो लेटाइस पॉइंट रखा हुआ होता है वो कितने लोगों से शेयर्ड होगा, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना इस टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे। ये मैंने चार यूनिट सेल के छत बनाई है, छत मतलब आप यूनिट सेल को ऐसे ऊपर से देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग अ यूनिट सेल फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो जब आप टॉप से इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये नीचे वाला यूनिट सेल हो गया, ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, और ये वाला जो कॉर्नर है ये चारों कॉर्नर कंबाइंड है, चारों लोगों का कॉर्नर सेम है। तो आप देख पा रहे होगे कि एक लेटाइस पॉइंट, एक यूनिट सेल बेसिकली चार कॉर्नर्स के बीच में आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके यूनिट सेल का एक कॉर्नर चार अलग अलग यूनिट सेल से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ आप क्यों भूल जाते हो कि ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से इन के ऊपर भी तो यूनिट सेल होगा, मतलब कि वन वाले यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल और होगा, टू वाले यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल और होगा, इसके सामने वाले यूनिट सेल के ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। इसका मतलब ये है कि वन के ऊपर फिफ्थ यूनिट सेल होगा, सेकेंड के ऊपर सिक्स यूनिट सेल होगा, थर्ड के ऊपर सेवन्थ होगा और फोर्थ के ऊपर एट यूनिट सेल होंगे। मतलब कि आपका ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल बेसिकली कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ है, आठ यूनिट सेल से घिरा हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट अ लेटाइस पॉइंट, आप खुद थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा इसको, लेटाइस पॉइंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पर प्रेजेंट लेटाइस पॉइंट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय, या इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, सराउंडेड और वी कैन से ऑक्यूपाइड बाय एट यूनिट सेल्स, बाय एट यूनिट सेल्स। आठ यूनिट सेल एक कॉर्नर के यूनिट सेल को, लेटाइस पॉइंट को ऑक्यूपाई करें। तो हमारे सिंपल यूनिट सेल में, हमारे प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल में देर आर एट लेटाइस पॉइंट्स, आठ कॉर्नर पर आठ लेटाइस पॉइंट होते हैं, एंड हर एक लेटाइस पॉइंट का, इस लेटाइस पॉइंट की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, हर किसी का इस यूनिट सेल में शेयर कितना होता है, वन बाय एट। तो इसका शेयर हो जाएगा वन बाय एट, सो एट लेटाइस पॉइंट वन बाय एट शेयर इज इक्वल टू वन। सो देयर फोर अगर हम बोलें कि एक लेटाइस पॉइंट हर आठ कॉर्नर पर है और आठ कॉर्नर पर होने की वजह से एक यूनिट सेल बनता है, तो ये जो एक यूनिट सेल बन रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, वन। क्यों, वन बाय एट ये देगा अपना पोर्शन, वन बाय एट ये अपना पोर्शन देगा, वन बाय एट पोर्शन इस यूनिट सेल का आ रहा है, वन बाय एट इस लेटाइस पॉइंट का आ रहा है, वन बाय एट इधर आ रहा है, 1 बाय 8 इधर आ रहा है, 1 बाय 8 इधर आ रहा है और 1 बाय 8 इधर आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक पर्सन ने अपने बड़ा पिज्जा का, जिसके आठ टुकड़े हैं, उसका एक टुकड़ा उठाकर एक गरीब को दे दिया। आठ लोग पिज्जा खा रहे थे, आठ लोगों के पास बड़ा बड़ा पिज्जा है और उस पिज्जा के आठ टुकड़े हैं। तो हर एक व्यक्ति ने क्या करा, हर एक पर्सन ने क्या करा,
पिज्जा का एक स्लाइस, आठ में से एक स्लाइस उठाया, गरीब को दे दिया। दूसरे ने 1/8 पार्ट उठाया, गरीब को दे दिया। तीसरे ने 1/8 गरीब को दे दिया। चौथे ने 1/8 गरीब को दे दिया। पांचवें ने 1/8 गरीब को दे दिया। सातवें ने 1/8 गरीब को दे दिया। और आठवें ने 1/8 गरीब को दे दिया। और जब देखा कि गरीब के पास आठ टुकड़े हो गए, और जब उसने वो पिज्जा के आठ टुकड़े जोड़ना शुरू कर, जोड़ते जोड़ते उसके पास एक बड़ा पिज्जा बन गया। यही फंडा इस यूनिट सेल का है। इस यूनिट सेल में आठ कॉर्नर्स हैं, आठों कॉर्नर पर लेटाइस पॉइंट है, लेकिन कॉर्नर पर प्रेजेंट लेटाइस पॉइंट का हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। मतलब एक यूनिट सेल का कॉर्नर टोटल आठ यूनिट सेल घेर के रखते हैं, इस वजह से 8 × 1/8 करना पड़ेगा, सो टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी 1। तो हम बोलेंगे इन एस सी सी द ई इफेक्टिव और नंबर ऑफ एटम विल बी 1। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन फॉर द सिंपल यूनिट सेल, और वी कैन से प्रिमिटिव यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? अगर आपको अभी भी एक डाउट हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप वो जो रोम्बिक क्यूब होता है ना, जो हम लोग सॉल्व करते हैं, 6 फेसेस वाला, जिस पर 6 अलग अलग फेस होते हैं और 6 अलग अलग कलर होते हैं, ऐसे आप कुछ क्यूब्स एक के पास एक रख सकते हो। एक क्यूब इधर रखो, एक क्यूब इधर रखो, दो क्यूब हो गए। इस क्यूब के आगे एक क्यूब रखो, इसके पास वाला जो क्यूब था इसके आगे एक क्यूब रखो, तो ज़मीन पे चार क्यूब हो गए। और ये मेरे थंब वाले पोर्शन को कॉर्नर मानो, तो देखो अभी दो क्यूब पास पास है, तो दो कॉर्नर पास है, तीसरा यहाँ आ जाएगा तो तीसरा कॉर्नर, और चौथा यहाँ आ जाएगा तो चौथा कॉर्नर, तो नीचे चार कॉर्नर हो गए। फिर इस क्यूब के ऊपर भी तो एक क्यूब आएगा बेटा, फिर इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब आएगा, 6 जो सामने क्यूब रखा है इसके ऊपर भी एक क्यूब आएगा, 7, और इस क्यूब के सामने भी एक क्यूब आ जाएगा, 8। तो ये जो मेरा अंगूठा है, ये अंगूठे वाला पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ क्यूब से घिरा हुआ होता है। तो एक कॉर्नर पर प्रेजेंट लेटाइस पॉइंट को आठ क्यूब घेर के रखते हैं, तो हर क्यूब के अंदर उसका 1/8 पोर्शन आता है। आफ्टर सिंपल हम लोग बात करेंगे एफ सी सी यूनिट सेल। एफ सी सी यूनिट सेल यानी कि फेस सेंटर। फेस सेंटर में अब आपको क्या बताऊं मैं आपको, वैसे ही मालूम है, क्या मालूम है आप लोगों को? आठ कॉर्नर्स होते हैं तो पता ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और क्या पता है आप लोगों को? 6 फेस होते हैं, गुड। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फेस पर 6 पार्टिकल। अब इमेजिन करो मैं एक क्यूब हूँ और ये मेरा फेस है, मेरे फेस पर यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, और मेरे सामने से भी एक क्यूब आ जाता है। या आप ऐसे इमेजिन करो कि लेट से ये एक यूनिट सेल का फेस है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है ये हरे रंग वाला मार्कर, और दूसरा यूनिट सेल ये आ गया, ये दो यूनिट सेल ने एक दूसरे को घेर लिया। अब आप बताओ इस यूनिट सेल में ये जो लेटाइस पॉइंट है ये कितनों से शेयर हुआ पूरी तरीके से? दो यूनिट सेल से। तो मैं ऐसा कह लूँ कि इस मार्कर का आधा पोर्शन इस लेटाइस पॉइंट, इस लेटाइस पॉइंट का या इस मार्कर का आधा पोर्शन, आधा पार्ट इस यूनिट सेल के पास है और आधा पार्ट इस यूनिट सेल के पास है। तो डू रिमेंबर वन थिंग, एक चीज ध्यान रखिएगा, दैट लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट ऑन फेस इज शेयर्ड बाय टू यूनिट सेल्स, इज शेयर्ड बाय टू यूनिट सेल्स। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर फेस पर प्रेजेंट लेटाइस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होगा। मतलब कि अब एक पिज्जा तो बड़ा है आपके पास, लेकिन खाने वाले दो ही हैं, तो आधा आप खा लो, आधा मैं खा लूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ई इफेक्टिव कैलकुलेट करने जाऊं तो मैं ये देखता हूं कि मेरे पास अभी भी आठ लेटाइस पॉइंट्स कॉर्नर पर हैं, आर एट कॉर्नर्स, और मैं ये तो हमेशा से जानता हूं कि कॉर्नर पर प्रेजेंट एट लेटाइस पॉइंट 1/8 पार्ट शेयर करता है। एक तो ये हो गया, प्लस मैं देखता हूं कि 6 लेटाइस पॉइंट तो मेरे फेस पर है और हर फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन तो मेरा 1/2 होता है, आधा आपका आधा मेरा। सॉल्व करने पर मैं पाता हूँ कि ये तो 1 हो गया,
और ये पाता हूँ कि ये तो 3 हो गया, तो मैं देखता हूँ कि 1+3 यानी कितना हो रहा है, 4 एटम्स। सो इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल एफ सी सी। सो जब आप इसका ई इफेक्टिव निकालोगे तो इसका ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? सो दिस इज द ई इफेक्टिव ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, सेकेंड, अब आपको पूरी तरीके से चीज क्लियर होते चल रही होगी, अब आपके लिए कंपैरेटिवली चीज इजी होती जाएगी। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दैट इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल की। सो द थर्ड इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और आप देख पा रहे हो कि मैंने बॉडी सेंटर बना भी दिया था। ये देखो अपना यूनिट सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल, और यूनिट सेल के बीचों बीच, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक लेटाइस पॉइंट मुझे यहां पर इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से सबके बीच में शेयर्ड होगा इक्वली। और जब कभी भी लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट इन बॉडी इज शेयर्ड बाय ओनली वन यूनिट सेल, आप समझ पा रहे हो, जब एक पार्टिकल आप पूरे बक्से के अंदर रख दोगे, लाइक इस रूम के अंदर बीचों बीच मैंने एक फुटबॉल रख दिया और रूम को चारों तरफ से पैक कर दिया, तो वो फुटबॉल पूरी तरीके से किसका हो गया, इस रूम का। तो ये जो लेटाइस पॉइंट है ये किसी से शेयर्ड नहीं होगा, ये सिर्फ उस यूनिट सेल की पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगा, मतलब अब पिज्जा भी है और खाने वाला भी है। तो इसका इफेक्टिव कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं वापस से पाऊंगा कि भैया मेरे तो 8 कॉर्नर्स अभी भी हैं और हर कॉर्नर का शेयर 1/8 अभी भी है, और एक पूरा का पूरा यूनिट सेल मेरा कहाँ रखा हुआ है, बॉडी के अंदर। ये यूनिट सेल कहाँ रखा हुआ था, सॉरी रियली सॉरी, ये लेटेस्ट पॉइंट कहाँ रखा हुआ था, बॉडी के अंदर। तो इसका 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2। सो देर आर 4 एटम्स प्रेजेंट इन एफ सी सी, सो देर आर 2 एटम्स प्रेजेंट इन बी सी सी। तो इस तरीके से आप बी सी सी यूनिट सेल का इफेक्टिव निकाल सकते हो, जो उसका इफेक्टिव हो जाएगा 2। लास्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फोर्थ वन, दैट इज एंड सेंटर यूनिट सेल, ई इफेक्टिव फॉर द एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल आपको याद तो होगा, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक यूनिट सेल बनाते हैं और इसके 8 कॉर्नर बनाना मेरे लिए जरूरी है, तो ये मैंने 8 कॉर्नर बना दिए। और किन्हीं दो फेसेस पर, एंड सेंटर यूनिट सेल में किन्हीं दो फेसेस पर 2 लेटाइस पॉइंट रखे हुए होते हैं, और ये बात आप समझ ही गए होंगे कि लेटाइस पॉइंट जब कभी भी फेस पर प्रेजेंट होता है वो 1/2 से शेयर्ड होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस यूनिट सेल में, ई सी सी यूनिट सेल में, एंड सेंटर यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर का शेयर 1/2 है, और 2 लेटाइस पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, फेस पर, और हर किसी का शेयर कितना होता है 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो हो गया 2, और ये भी हो जाएगा आपका इन ई सी सी। तो आपके ई सी सी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, आफ्टर दिस मैं आपके सामने एक यूनिट सेल और डिस्कस करूंगा, जो आई थिंक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वॉइड्स में बड़ा मदद करेगा, ये वॉइड्स पढ़ते समय आपको चीज जरूर मदद करेगा, दैट इज एज सेंटर सेल्स। अब आप देखो कि इस यूनिट सेल के बेटा एजेस कितने, हाउ मेनी एजेस आर देयर, तो मैं कहूंगा कि एक एज ये है 1, एक एज ये है 2, एक एज ये है 3, एक एज ये है 4, एक एज ये है 5, एक एज ये है 6, 7, 8, एक एज ये है 9, एक एज ये है 10, एक एज ये है 11 और एक एज ये है 12। सो बेसिकली देयर आर 12 एजेस। अब अगर इन 12 एजेस की बात करूं तो आप देखो एक यूनिट सेल ये है, मेरी ये फिंगर को ऑब्जर्व करना है, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल आ गया। तो ये वाली जो एज है, ये रिंग फिंगर वाली मेरी जो एज है,
ये दो से शेयर्ड हो गई। अब इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल और ऐसा आ जाएगा, देखो थ्री, मतलब ये देखो यहां पर भी शेयरिंग हो गई थ्री। इस रिंग की बात कर रहा हूं, इस रिंग की एक तो इधर है, एक इससे शेयर हो गया, एक इससे शेयर हो गया, और एक इस यूनिट सेल के ऊपर भी, तो यूनिट सेल इधर आएगा फोर। तो बेसिकली एक पूरी एज कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, फोर। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा दैट एनी लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट ऑन एज, यानी कि कोने पे, नोक पे, इज शेयर्ड बाय फोर यूनिट सेल्स इसे शेयर करेंगे। तो ये जो मैंने एक्स बनाए हैं, इमेजिन करो ये तुम्हारे लेटाइस पॉइंट्स हैं, और ये लेटाइस पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होगा, तुम्हारे एजेस पर। तो अभी अभी मैंने देखा कि अगेन मेरे इसमें आठ कॉर्नर्स तो है भैया, तो ये आठ कॉर्नर्स, हर कॉर्नर का शेयर 1/8, और मेरे पास 12 लेटाइस पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, एजेस पर, और एक का शेयर कितना दिखा अभी 1/4, 1/4 एक का शेयर होता है, मतलब ये लेटाइस पॉइंट 1/4 इसके पास आ जाएगा, 1/4 पास वाले के पास आ जाएगा, 1/4 इसके आगे के वाले के पास आ जाएगा, और 1/4 इसके पास वाले के आगे वाले के पास आ जाएगा। जब मैं इसे काटूंगा तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो इसका इफेक्टिव हो जाएगा 1+3 दैट इज 4। तो यहां पर बेसिकली देयर आर 4 एटम प्रेजेंट इन एन एज, इन एन एज सेंटर यूनिट सेल। तो ये आपके ई इफेक्टिव हो गया, 5 ई इफेक्टिव हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करना सीखे, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें सबके ई इफेक्टिव लिख लेते हैं, हाथों हाथ मेमोराइज करो, क्योंकि इसे कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, हमें इसे मेमोराइज करना है। हमें कैलकुलेशंस तो आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें हम वॉइड्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ वॉइड कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर ई इफेक्टिव मेमोराइज होना चाहिए, वहां पर लेकर मत बैठना कि कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं टेबल बनवा रहा हूं, दैट इज यूनिट सेल, और उसका सीधा सीधा ई इफेक्टिव। पहला यूनिट सेल अगर मैं बात करूं, सिंपल यूनिट सेल ई इफेक्टिव 1, बॉडी यूनिट सेल ई इफेक्टिव 2, एंड सेंटर सेल ई इफेक्टिव 2, फेस सेंटर्ड ई इफेक्टिव 4, और अभी जो पांचवा पड़ा दैट इज एज, एज सेंटर सेल, उसका इफेक्टिव भी 4। तो ये 5 वैल्यूज मेमोराइज कर लो, घोट लो, पी लो, याद कर लो, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, एक सिंगल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। ध्यान रखना लेटाइस पॉइंट अगर 8 है तो ये कभी मत बोलना कि एक यूनिट सेल 8 एटम से मिलकर बना है, नहीं, हमें देखना है कि वो कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम उस एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक यूनिट सेल को गरीब आदमी मानो, 8 कॉर्नर पर 8 लोग बैठे हैं जो पिज्जा खा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने पिज्जा में से 1/8 पार्ट इस गरीब को दे रहा है, ये 1/8 पार्ट इस गरीब को दे रहा है, ये 1/8 पार्ट इस गरीब को दे रहा है, ये 1/8 पार्ट इस गरीब को दे रहा है, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8 और ये 1/8, ऐसे 1/8 मिला के इस गरीब के पास एक एटम बन गया। तो इस तरीके से हम लोग ई इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। ये टेबल बना हुआ है, इसे एक बार मेमोराइज कर लीजिए इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग यहां से बात करना शुरू करेंगे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की, पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और वॉइड्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, व्हाट आर वॉइड्स, ठीक है। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अगली क्लास में हम लोग इसकी बात करना शुरू करेंगे। बाय।